मम्मी बोल बोल तो हेलो गाइस स्वागत है आपका बोल अंकित सिम किसका पड़ा तेरे इसमें सिम दे रहा है मम्मी अरे सिम तो छोड़ हेलो गाइस करना पहले हेलो गाइस स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में बस अब मम्मी बस इतना सा अभी मैं बाथरूम में आया था और बाथरूम में मुझे ये देखने को मिला ये एक अलग ही तरीके का जोंक होता है तो चलो हाथ मुंह धोते हैं आप मुँह हाथ धुल गया है आगे दिखाते हैं आपको क्या होता है आज अंदर मम्मी लोगों का काम धाम चल रहा होगा कुछ ना कुछ सुबह सुबह मैं सिलाई मशीन निकाल दी सिलाई चल रही थी क्या प्रिया सुबह प्रिया मैम लगी है मोबाइल में हाँ हमारे घर की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ देखिए देखिए ये बहन जी लगी है मोबाइल में ऐसे क्या कानी आंख से देख रही जैसे बैल जी भी ऐसी देखता है टेढ़ी आंख होते हाँ ये ऐसी देखता है बैल जी भी मम्मी तू भी ऐसे देखेगी मम्मी कर रही पूजा बहन जी कर रही है मोबाइल में काम अरे कुछ सीख ले कुछ संस्कार सीख ले मम्मी से एक कमेंट भी आ रखा था कैलाश भैया वो बोल ले कि प्रिया को बोल यहाँ काफी मजे ले रही है ससुराल में क्या करेगी वहाँ तो आंटी नहीं देगी हाथ में मम्मी परसों तूने हाथ में दिया था ना इसको खाना दिया था खाना हाथ में हाँ खाना हाथ में ही तो देती है क्या दिया था क्या रसोई में आती हूँ लेने अपना खाना अरे जा वो वीडियो में सबने देखा तेरा हाथ में आया खाना जिस दिन मम्मी दो थाली लेकर आई थी वो किस लिए आई थी ये भी बता दूँ मैं क्या बता दूँ आया था ना तेरा हाथ में आया था ना खाना कुल मिला के रोज मैं लेने जाती हूँ पाइप निकल गया है अचानक से प्रेशर ज्यादा पड़ गया ना इसको जोड़ते हैं क्या बनाया स्पेशल मम्मा कद्दू बनाया बस अरे यार रसोई में आने का ही मन ही नहीं करता सुबह सुबह नाश्ते में भी कद्दू बन कद्दू लौकी तुरई इनके अलावा कुछ होया है जिंदगी कद्दू लौकी तुरई कद्दू लौकी तुरई कद्दू लौकी तुरई बीन शिमला मिर्च फूल गोभी पतौड़े पत्ते आएंगे प्रिया को काटा मैंने सुना तू भोंक रहा था प्रिया पे इधर दिखा मुँह दिखा कौन था किसने करा प्रिया को परेशान कौन था गंदा बच्चा कौन है वो बच्चा कौन है वो आज सोच रहा हूँ अपना फ़ोन लेने हल्द्वानी चले जाऊँ काफ़ी समय हो गया 23 तारीख से हल्द्वानी में दे रखा मैंने फ़ोन और 23 तारीख से आज इतने 5 सितंबर हो गया और अभी तक फ़ोन सही करके नहीं हो रखा तीन दुकान बदल दी मैंने सौरा हेलो गाइस कर रहा है बैल जी घर में होगा मैं कौन सा लेके घूम रहा हूँ घर चले जा बाइक देख के लग रहा है लौंडे अभी अंदर ही हैं यहाँ पांडे जी की दुकान ये और कैसे हो रहा हो लौंडो ये मिलिए मिस्टर भास्कर मिस्टर जोशी से क्या क्या देख रहे अरे तू तो यार कॉपीराइट लाएगा यार पांडे जी नमस्कार कैसे हो रहे हो आज वो नाला नहीं आ रहा आज तुम्हारे वहाँ का हाँ कल तो बहुत ही आ रखा था खैर पहाड़ में तो होने वाली वापस गए फिर वो जमा ले जाता हूँ तो साइकिल पांडे जी को साइकिल की तो अपनी चिंता होगी कदा ये मम्मी खाना खा के ऐसे भागी मम्मी हेलो आंटी कैसे हो रहे हो बढ़िया आप तो रैली में हाँ रैली में ही जा रहे हैं हम पूर्व मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं हमारे हरीश सिंह रावत जी भड़का खूब रही आज भीड़ भड़का रहेगा बस मम्मी ऐसे भागी ना खाना दे छुपा के अपना हाँ मम्मी वही तो मम्मी तो पहाड़ी स्टाइल में कढ़ाई चाटने वाला खाना खा रही थी चाटा चाट डेक कढ़ाई शकल दिखा अपनी अब दिखाना शकल देख फिर भाग गया गंदा बच्चा ये तो मेहंदी दिखा रही तो देखो दोस्तों रिद्धिमागी मेहंदी अपना थोपड़ा भी दिखा दे ये है रिद्धिमा का थोपड़ा ये इतने नखरे करेगी हैं और ये भी दोनों भाई है ना एक जैसे हो रहे अब तो सही है ये तो दोस्तों देखिए इसको रिद्धिमा है ये टिकटॉकर हुआ करती थी किसी जमाने में किस जमाने में होती थी तो टिकटॉकर बता दो कैसे नखरे कर रहा है देखो कैसे नखरे कर रहा है आजा नहीं बोलूंगा मैं आजा अरे आजा बच्चा अच्छा है तू तो ये देखो नट पूजा रोके चला जा अरे अच्छा बच्चा नहीं है भाई साहब यहाँ पे भी जाम लगा है आज जगह जगह जाम लगा है क्योंकि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश सिंह रावत जी आ रहे हैं तो यहाँ और ही बात हो रखा है बहुत लंबी लाइन लग रही तो अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं ये हरीश सिंह रावत जी जा रहे हैं तो रावत जी की यात्रा चल रही थी तो यहाँ इतनी सारी भीड़ लगी है भाई रावत जी देखी क्या हाँ देख रहे थे वीडियो बनाई अभी जाम में ही फंसे पड़े हैं परिवर्तन यात्रा है बस जो परिवर्तन होगा अब जैसा परिवर्तन चाह रहे होंगे वैसा अभी तक जो परिवर्तन हुआ है हमें तो वो भी अच्छा लग रहा है फिलहाल तो ज़्यादा परिवर्तन क्या कहें
एक तो भूख लग रही है जबरदस्त वाली, ठीक है सर, इतना घाम लग रहा है भाई साहब, हालत खराब हो रही है। बड़ा जान डाल गया वही तो। अभी आए हैं नीरज भैया, क्या ले रहे हैं? चार्जर। रिलायंस स्टोर में आया, डिजिटल स्टोर। ये चार्जर ठीक है था हमको, लेकिन बहुत महंगा हो रहा अभी फिलहाल के लिए, तो बाद में कभी लेंगे। ले लिया तूने? यहाँ चल रहा है जोशी जी का कुरकुरे नेक्स्ट टाइम। अभी हमने फ़ोन दे दिया एक दुकान में, और प्रिया का भी दे दिया। प्रिया का भी काफ़ी समय से ख़राब रखा था ना फोन। मेरे फ़ोन की तो उम्मीद कुछ है नहीं, वो बोल रहा कि मदरबोर्ड ख़राब हो गया, तो शायद ही होगा सही करके। अब शाम को फ़ोन करके पूछूंगा इससे क्या सीन शॉर्ट है। तो दोस्तों मम्मी मैं घर आया, मम्मी और बात रिस आ गई। मम्मी बता दो तो मम्मी की नहीं हो रही। बताया दोस्तों क्या हुआ मम्मी के साथ? मैं मम्मी का फ़ोन दे आया सही करने के लिए। मम्मी कह रही क्यों देकर आया? तो अरे ये फोन है तो सही है ना? कह दे मेरे साथ तो बहुत, मेरा तो बहुत ही वो हो रहा है सोसा। हाँ। मम्मी कह रही है फोन खराब था, वो थोड़ा चल रहा था, वो भी दे आया। और जोशी जी अभी जस्ट ये क्या बोलते हैं इसको, जोशी जी अभी ये ऐनक लेकर आ रखे हैं, तो मैंने कहा ऐनक का ट्राई करता हूँ। अभी जोशी जी जस्ट लेकर आ रखे हैं, तो दोस्तों बताना है ऐनक कैसी लग रही। तो अभी मैं बस इसको लगा के ट्रायल कर रहा हूँ भाई, मुझे क्योंकि मुझे गॉगल्स लगाने की, ये जो ऐनक लगाने की आदत नहीं है, तो सब कुछ ऐसा लग रहा है कि जस्ट अंधकार में लग रहा है सारी दुनिया मुझे। तो ये चला गया, भागा है तीतर। क्या हुआ फिर आया देवू? अच्छा आ नहीं रहा अभी, बस इतना ही था। और ये आ रखी है मिस बबीता। बबीता अपना चेहरा तो दिखा, ये देखो दोस्तों बबीता का चेहरा। बबीता कह रही मैं वीडियो मत बनाना। क्यों मत बनाना बता? परसों मैं कहीं गई थी तो वो अभी उससे कह रहे थे। हाँ, क्या कह रहे थे? वो वही घर है तुम्हारा, वो टंकी के पीछे वाला मेरे। अच्छा। मैं यार क्या कहूँ अब मैं, अभी प्लीज ये वीडियो बाबे। हाँ। ये तो भाई वीडियो ही बंद करने के फिराक में है। सबको पता चलना चाहिए, चलना चाहिए ना क्या बबीता आ रखी है। हाँ। अब देखो ये लाइन भी मैंने बोल दी, और अगर ये लाइन भी वहाँ पहुँच गई तो वो तो मेरी मर्जी है, मैं क्या डालू नहीं डालू वीडियो में। अभी शाम के बजे हैं 7:30 और जोशी भैया रखे और मुझे जाना है अभी नीरज भास्कर के वहाँ। तो ये है घग्रास एंड ये है चौकर, तो चलो चलते हैं। हाय, छोड़ दे इसको, गंदा है, इसने परेशान करा। भला आज लोग आए थे घर पे, इसने परेशान करा उनको, बेकार लड़का है। घर ही में रह तू, नहीं आएगा तू, गंदा बच्चा है तू। क्या करूँ यार, अरे गज्जब दिख रहे हैं जोशी जी, अलग ही दिख रहे हैं जोशी जी का, अलग ही टसन हो रहा। अभी तो चश्मा वश्मा लगा के ना रात को, जोशी जी को रात को भी चैन नहीं है, कह रहे नया नया चश्मा है ना, रात को भी नहीं खोलना है साला। यार हवा से मतलब है ना कि भाई साहब ऐसा अंधेरा हो रखा, घुप्पा अंधेरा हो रहा है आज तो जाने में भी, ये चारों तरफ अंधेरा हो रखा, बस इतना ही उजाला दिख रहा है। अब जा रहे हैं हम गौ माता से मिलने, यहाँ लगा है अभी तो आंटी लोगों ने बंद कर रखा है, इसको खोलते हैं। इसके अंदर गए, इनको थोड़ा सा घग्रास खिलाना होता ना रोज, मैंने थोड़ा सा चोकर भेजा था, इसको नीचे ही रखना होगा, घग्रास है इस पर ना थोड़ा सा, बस हो गया। चलो तनु, क्या देखूं? अच्छा तनु कह रहा है रास्ता भर गया पूरा, अब कैसे आएंगे हम अंदर? क्या कह रहा है? ये रास्ता खाली है। खाली है? यहाँ से अंदर जा सकते हैं ना हम? अच्छा ये कौन आया, ये कौन आया? ये है मिस पहाड़न, ये है मिस पहाड़न। हेलो मिस पहाड़न, हेलो मिस पहाड़न, पहाड़ी में तो बोल। यो बाट कैल बंद कर रहा हूँ बल, इसी नहीं स्कूटी। हेलो स्वीटी, कैसी हो रही स्वीटी? मेरा हाथ ही नहीं पहुंचा। टी है, गुन्नू है, दोनों बीमार पड़ रखे, हर्षित भी बीमार पड़ रखा है, सो रखा है हर्षित। ये तो गुन्नू तो सही हो गई बीमार होकर, आंटी और हर्षित पड़े हैं बीमार, और आंटी ने एक नहीं क्या, मैं दूध पी रही हूं। अच्छा दूध पी रही, हल्दी डाल के पी इस पे की क्या? हाँ चलो चलो आंटी की नहीं, गोट सॉरी गाय दिखा खिलाते हैं आपको। गुन्नू हमको गाय दिखाने, नाम क्या रखा है गुन्नू इसका? अभी नहीं रख रखा आंटी की, एक गाय का नाम तो लक्ष्मी माँ है। ओह ये झुमकी 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 भाग गई है, तो भाड़े का नाम कृष्णा। ओहो कृष्णा, ये छोटा सा। अच्छा अभी परसों ही हो रखा है? अच्छा जन्माष्टमी के दिन हो रखा है, तो इसका नाम यशोदा रख दो है, यशोदा है देव की रख दो इसका नाम फिर, है ना आंटी? यशोदा या जो भी रख दो, देव की मैया रख दो है। तो ये मिली है गुन्नू के पास, कौन है ये? झुमकी है। हेलो झुमकी, ये
झुमकी आजकल गायब ही रहती है, इसका पता ही नहीं चलता झुमकी कहाँ गई कहाँ नहीं गई करके। हैं ये ले लिया हमने दूध, अब चलते हैं नीरज भैया के साथ वापस से घर को। कुछ ऐसा ऐसा सा हो रहा है, चारों तरफ ऐसा घनघोर अंधियारा है, यहाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है आगे से लाइट से कुछ ऐसा। मैं चाह रहा हूँ कि कोई हॉन्टेड फिल्म बनाई जाए छोटी सी ना। तो दोस्तों आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड हाँ वन मोर थिंग, अगर आपको कोई सजेशन देना है कोई कंप्लेन है तो आप बता सकते हो हमको, थैंक यू।